स्वागत है दोस्तों आप सभी का। कल कुछ टेक्निकल इशू की वजह से मुझे क्लास बीच में ही रोकनी पड़ी थी। तो कल हम बात कर रहे थे कि जो केमिकल इक्वेशन होती है या रासायनिक समीकरण होता है उसको लिखा कैसे जाता है। तो पहली बात जानेंगे हम कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें जो पदार्थ लिए जाते हैं जिनको हम अभिकर्मक बोलते हैं या अभिकारक बोलते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया के बाद कुछ उत्पाद बनते हैं, तो उनको जो है उन पदार्थों के सिंबल को समीकरण के रूप में लिखा जाता है, जिसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब बात करते हैं उनको लिखा कैसे जाता है, आइए शुरू करते हैं। कक्षा 10 विज्ञान विषय का फर्स्ट चैप्टर अभी पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं। कल सिकंदर जी ने कमेंट्स किया था कि सर स्केच मत यूज करिए, मार्कर यूज करिए, तो आज हम मार्कर ले आए हैं। ठीक, तो हम बात करते हैं इनको क्या था रासायनिक समीकरण लिखा कैसे जाता है। कैसा दिख रहा है आप लोग इसको कमेंट्स करके बताएंगे। ठीक है, बात करते हैं रासायनिक समीकरण लिखा कैसे जाता है। तो जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो हम उसको कैसे प्रेजेंट करते हैं उसको हम बताते हैं। ठीक, तो सबसे पहले जो अभिकारक होते हैं अभिकारकों को समीकरण के बाएं तरफ लिखा जाता है। ठीक है, अब जो अभिक्रिया के बाद बने उत्पादों को दाईं तरफ लिखा जाता है। ठीक, अब अभिकारकों को समीकरण के बाईं तरफ तथा अभिक्रिया के बाद बने उत्पादों को दाईं तरफ लिखा जाता है। फिर इन दोनों के बीच में एक एरो बनाई जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इतना समझ लेते हैं पहले। जैसे मान लीजिए कि मैंने क्या लिया, कोई दो पदार्थ लिए, जैसे ले लिया जिंक। ठीक, दूसरा क्या लिया सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक, एक मैंने तेल बनाया, इसको एरो बोलते हैं। अब देखो क्या बना,
जिंक सल्फेट प्लस नाइट्रोजन गैस। ठीक, देखिए जिंक सल्फेट कैसे एरो हो गई है, क्या बना ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक, हमें लग रहा है आप लोगों को नीचे का जो इक्वेशन है ये नहीं दिख रहा होगा, तो इसके लिए हम इसको जरा मिटा के ऊपर लिख देते हैं। क्या लिया था जिंक, एक मिनट, दिक्कत है मार्कर में। जिंक प्लस H2SO4 ये एरो बनाए, ZnSO4 प्लस ये बनी हाइड्रोजन गैस। ठीक, अब देखिए हमने बताया था ना कि ये क्या हो गए हमारे अभिकर्मक हो गए। ये किस साइड है, बाई साइड, ये एक तीर बन गई। ये क्या है हमारे उत्पाद है, ये किधर है दाई साइड है। ठीक, अब ये जो तीर है ये क्या दर्शा रही है, तीर तो जो है ये तीर दर्शा रही है अभिक्रिया की दिशा, साथ में उत्पाद का बनना। ठीक, अब हम बात करते हैं कि आगे सब समस्याएं हैं इसमें। ठीक, ये हुआ, हम बात करते हैं कि तीसरा क्या है। ये थी रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स में एटम्स या आयंस की संख्या जो होती है एक से ज्यादा होती है तो उसे उस एलिमेंट के सिंबल के बाद अरेबिक फॉर्म में
छोड़ते रूप में लिखा जाता है। जैसे कि देखिए ये क्या था, Zn H2SO4, ठीक। और देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी थी, चार थी, तो इसको देखो ऑक्सीजन का सिंबल वो होता, उसके बाद में चार लिख दिया। हाइड्रोजन क्या था, दो था, इसको इसके H के बाद दो लिखा गया, फिर यहाँ पे भी उसी तरह, ठीक। अब आगे आते हैं, आगे एक मिनट, बोर्ड थोड़ा छोटा है, कैमरे की जो कवरेज है वो भी कम है, तो बार बार हमको लिख के मिटाना पड़ रहा है। अब बात करते हैं कि यदि एटम या आयन की संख्या सिर्फ एक होती है तो सिर्फ उस एलिमेंट के सिंबल को लिख दिया जाता है। जैसे क्या था, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ठीक, NGO क्या हुआ। तो यहाँ पे कदम इसको बैलेंस तो करना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन का दो है, तो यहाँ पे टू लगा दी। अब देखिए क्या हुआ, मैग्नीशियम का सिर्फ एक था, तो यहाँ पे केवल मैग्नीशियम लिखे। अब ये हुआ कार्बन प्लस O2, क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी। कार्बन का सिर्फ क्या है, एक अणु है, तो इसके आगे हम कुछ नहीं लिखेंगे, सिर्फ C लिखेंगे, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, C लिखेंगे, हाँ। अब इसमें मान लीजिए किसी समीकरण में सिर्फ एलिमेंट का सिंबल लिखा हुआ है, तो हम ये समझेंगे कि वहाँ पे सिर्फ एक एटम या आयन है। आगे चलते हैं, आगे है कि रासायनिक समीकरण लिखा क्यों जाता है, क्यों जाता है इसके फायदे क्या है, ठीक। तो हम किसी भी अभिक्रिया में जो एलिमेंट्स यूज हुए हैं डायरेक्ट उनके नाम भी लिख सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम का Mg ना लिख के सिर्फ सीधे मैग्नीशियम लिखेंगे, या कार्बन डाइऑक्साइड उत्पाद बन रहा है तो CO2 ना लिख के कार्बन डाइऑक्साइड लिखेंगे,
तो लेकिन क्या होगा, ये बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा, और साथ ही साथ इसको समझने में भी दिक्कत होगी, बैलेंसिंग की प्रॉब्लम होगी, मतलब इसको संतुलित करने में भी दिक्कत होगी। तो आइए हम देखते हैं इसके कुछ फायदे हैं। ये जो केमिकल इक्वेशन होता है, इसको सीधे सीधे शब्दों में भी लिखा जा सकता है, लेकिन इसको सीधे शब्दों में ना लिख के इसका जो सिंबल होता है उसके रूप में लिखा जाता है। इसके सिंबल के रूप में लिखने के कई फायदे होते हैं, जैसे कि कम जगह लेता है, एक तो ये हो गया, दूसरा हो गया आसानी से समझ में आ जाता है, आसानी से समझ में आ जाता है। इसका मतलब ये है कि उस अभिक्रिया में कितने अणु या आयन थे, किसी भी एलिमेंट्स के कितने अणु या आयन थे, ये जो है आसानी से पता चल जाती है, इससे ये आसानी से समझ में आता है। और दूसरी बात क्या थी, जब हमको ये सब आसानी से समझ आएंगे तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा जानकारी प्राप्त होगी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द लास्ट है कि आसानी से संतुलित किया जा सकता है। ठीक, आसानी से संतुलित किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं आगे, हेडिंग डालिए लो। ओह, लाइट चली गई।